उन पे आतंकी होने का आरोप लगा के उनको जेल में भेजना, तमाम पत्रकारों को, सब एडिटर को, लेख लिखने वाले को, कार्टून बनाने वाले के घर पे रेड करना, ऐसा इस देश ने नहीं देखा, इमरजेंसी में भी नहीं देखा। आवाज़ें दबने वाली नहीं है, ये सब बहुत छोटी सोच के लोग ऐसा सोचते हैं कि आप किसी को उठा लेंगे, किसी को बंद कर देंगे, किसी पर मुकदमा कर देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, तो उससे ज़्यादा आवाज़ें उससे ज़्यादा ताकत के साथ उठने लगती है। ज़रूरत पड़ी तो हम आपको भी ले जा सकते हैं, मतलब ये धमकी पूरी बराबर वो देते रहे हमको। जो पिछली लाइन होती है ना दमन की, उसको क्रॉस करने के लिए 56 इंची ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ताकत पहली बार आई है, तो हम इस तरीके का दमन भी पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों मैं अभी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पे हूँ, यहाँ पे आप मेरे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं अच्छे खासी संख्या में पत्रकार आपको नजर आ रहे होंगे। ये सब पत्रकार हैं जिनमें कुछ जूनियर भी हैं, कुछ सीनियर भी हैं, कुछ ऐसे ऐसे सीनियर हैं कि 40 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, हुकूमत को ये बताने के लिए आए हैं, अगर आपके दिल में कहीं पे ये बैठा हुआ है कि आप कुछ पत्रकारों के घर पे रेड करके पत्रकारों की आवाज़ को दबा देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पत्रकार इसी बात के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, हुकूमत को ये बताने के लिए, ये मैसेज देने के लिए। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जितने सारे पत्रकार आप अच्छी खासी संख्या में देख रहे होंगे, वो सब इसलिए यहाँ पे हैं कि हुकूमत को अच्छी तरह से ये मैसेज दे दिया जाए कि न्यूज़ क्लिक की आड़ में अगर आप समझ रहे हैं कि जो पत्रकार आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हुकूमत के फैसलों के खिलाफ लिख रहे हैं या हुकूमत के गलत फैसलों के खिलाफ बोल रहे हैं, तो आपकी तो कोशिश है कि उनकी आवाज़ को दबा दी जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसे वक्त में जबकि हुकूमत पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, तो ये पत्रकार एकजुटता की मिसाल पेश कर रहे हैं, जो कि आज वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। जो पत्रकार ईमानदार हैं उन सबका एकजुट होना ज़रूरी है, नहीं तो आज न्यूज़ क्लिक वालों का नंबर आया है, आने वाले दिनों में फिर किसी और का नंबर आएगा। यही बात को समझते हुए, इसकी अहमियत को समझते हुए ये सारे पत्रकार आज यहाँ पे जमा हुए हैं, ताकि हुकूमत को ये मैसेज दे दिया जाए कि अगर आप पत्रकारों की आवाज़ को दबाने की कोई भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं, आपको ये गलतफहमी हटा देनी चाहिए। हम सब पत्रकार एकजुट हैं, और जिस ईमानदारी से हमने पहले भी आवाज़ बुलंद की है, आगे भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। पत्रकारों पर प्रेशर हर दौर में रहा है, लेकिन क्या अभी कभी इतना प्रेशर रहा है क्या? देखिए, सत्ता को कभी भी पसंद नहीं आता कि सच बोला जाए, सरकारें सच बोलने वाले से परेशान रहती हैं हमेशा, उनको मनाने पटाने की कोशिश भी करती हैं हमेशा, थोड़ा आँखों से इशारा भी करने की कोशिश करती हैं हमेशा, लेकिन उन पे आतंकी होने का आरोप लगा के उनको जेल में भेजना, तमाम पत्रकारों को, सब एडिटर को, लेख लिखने वाले को, कार्टून बनाने वाले के घर पे रेड करना, ऐसा इस देश ने नहीं देखा, इमरजेंसी में भी नहीं देखा। इसका मतलब एक ही है कि सरकार ये अहंकार में डूबी और बौखलाई घबराई हुई सरकार इस वक्त ये संदेश देना चाहती है कि बच्चों चुनाव आ रहे हैं, चूँ करोगे तो देखो अंदर कर देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये संदेशा है, स्पष्ट है, देश के तमाम मीडिया की ज़ुबान बंद करने की कोशिश है। मेन स्ट्रीम मीडिया पहले ही कब्जा कर चुके हैं, डिजिटल मीडिया में कुछ प्रतिरोध बचा था, अब उसके भी मुंह पे ताला लगाने का प्रयास चल रहा है। सर, आपने बहुत से लोगों से बात की होगी जिन लोगों पर इस तरह कल छापेमारी हुई, तो क्या आपको लग रहा है उसमें से कुछ लोग घबरा गए हैं या उनकी हिम्मत जैसे थी वो बरकरार है? मैं समझता हूँ कि उनकी हिम्मत बरकरार है, और आज जिस तरह से सारे पत्रकार जुटे हैं उससे पता लगता है कि इससे प्रतिरोध बढ़ेगा। और इतिहास बताता है जब भी अहंकारी और बौखलाई सरकारें इस तरह के काम करती हैं, उससे मीडिया पहले से ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा खुल के बोलता है, और यही मेरी उम्मीद है। पुलिस आपके यहाँ भी गई थी? जी जी। पुलिस क्या चाहती है? असल में पूरे 4 घंटे तक उन लोगों ने हम लोग से जब भी जितना भी हम लोग के ऊपर वो किया, उन्होंने जितने क्वेश्चंस किए, भाई हमने कहा, हर क्वेश्चन का जवाब दिया, लेकिन हर बार हमने पूछा कि भाई बता तो ये वजह क्या है इसके पीछे कि आप क्यों आए हैं, किस लिए पूछ रहे हो, क्या लिंक है हमारा? क्योंकि फेसबुक पे तो मुझे जैसे मैंने देखा कि लोग जैसे मेरा नाम देखते हैं तो एकदम से कहते हैं कि भाई आतंकवादी है, जिन्हें पसंद नहीं आता वो कहते हैं जिहादी है, इस तरह का। मैंने कहा कहीं वो वाला लिंक तो नहीं, कोई टेररिस्ट वाला लिंक निकाल दिया हो कहीं, तो हम बहुत घबराए हुए थे पूरे टाइम में। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप बताइए, तो उन्होंने ये अपनी बताई नहीं, उन्होंने कहा कि बस हम आए हैं
हमको तो कुछ बताया नहीं गया है, बस ये क्वेश्चंस हैं 100-150 जितने भी लेके आए थे उनका आपको जवाब देना है, और जो जो चीज़ें लेके आने वो कहीं है वो लेके जाना है। अगर आप ज़रूरत पड़ी तो हम आपको भी ले जा सकते हैं, मतलब ये धमकी पूरी बराबर वो देते रहे हैं। इसमें आप इतने ज़माने से कार्टून बना रहे हैं, इतनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ आपने कार्टून बनाए, PM के ख़िलाफ़ कार्टून, उनकी जो गलत नीतियाँ उनके ख़िलाफ़ कार्टून बनाए, कभी ऐसा हुआ पहले कभी आपको इस तरह के प्रेशर में लेने की कोशिश हुई हो? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि उनसे तो कोई दूर दूर तक कोई सबका हुआ ही नहीं, कभी भी कोई हार्ट भी नहीं आई इस तरह की कि वो उनके दिमाग में कभी ऐसा चल रहा हो कि वो कुछ ऐसा करने वाले हैं, ना कोई कभी धमकी आई। मैंने तो एक सीरीज़ पूरी बनाई थी कलमाणी के ऊपर, कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर, जो कि प्रेस क्लब में यहीं लगाई गई थी, और उसको शीला दीक्षित जो है उसको पर नाराज हो गई, लेकिन उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट वहाँ केंद्र में भी थी और यहाँ वो भी स्टेट में थी, वो चाहती तो मुझे उठवा सकती थी, लेकिन चूंकि वो उठवाने वाली नीति जिनकी है ना, उन्होंने बता दिया है कि वो किस तरह से लोगों को कैसे टॉर्चर कर सकते हैं, तो वो ही उन्होंने किया। तो मैं तो बनाता रहा हूँ, मुझे तो देखिए अभी तक नहीं, कार्टूनिस्टों के साथ तो खास तौर से इन दिनों जितना भी हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए सबकी नौकरियाँ जा रही हैं, लोग कार्टून जो है वो छापने से डर रहे हैं, कई कार्टूनिस्ट हैं जो बिना उसके नौकरी के बैठे हुए हैं, आप देखिए। तो मेरे जैसे मेरे मुझसे भी इतना 30-40 साल काम करने वाला, 30 साल के बाद में आज यह है कि लोग डरते हैं भाई छापें कि नहीं छापें, क्योंकि गवर्नमेंट पकड़ेगी आपको, बिला वजह का मुद्दा बनेगा। इरफान भाई, कॉमेडियन महफूज नहीं है, जर्नलिस्ट महफूज नहीं है, जो कार्टून बनाते हैं वो महफूज नहीं है, वो प्रेशर में है, आखिर ये हुकूमत चाहती क्या है? आप ये तो वही बताएगी, देखिए अभी तो जो जो उन्होंने किया वो तो कल तक भी हमें नहीं पता था कि वो क्या चाहती है। जैसे लोगों के घरों में एक साथ में 40-50 लोगों के घर में रेड डालना और उनको एक पल पहले तक पता नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा कि वो चाहती क्या है आखिर? तो ये तो उनको बताना पड़ेगा, लेकिन शायद वो बताना नहीं चाहते हैं कि क्या करेंगे। आप यहाँ से क्या क्या ले गए हैं? मेरा लैपटॉप, वो आईपैड ले गए हैं एप्पल का, जिसमें मैं अपने कार्टून बनाता था। मेरा काम क्या है सर, मेरा काम क्या है सिर्फ, मैं सिर्फ कार्टून ही तो बनाता था, है ना, उसमें उनको सिर्फ मेरे कार्टून ही मिलेंगे। आप कार्टूनों पे वो क्या आपत्ति इनको भाई, वो कार्टून ज़्यादातर उसमें से झुके छप चुके हैं, वो पूरा बाकायदा एडिटर्स के द्वारा अप्रूव किए हुए कार्टून से ज़्यादातर उन्हीं की कॉपी हैं, उसमें वही मेल हुए हैं उसके अंदर, वो फेयर कार्टून से ज़्यादातर उसमें, और मेरे मोबाइल फ़ोन ले गए हैं वो, मेरे कंप्यूटर के आर्टिस्ट ले गए हैं। मतलब जो है पत्रकारों पे कंट्रोल सब चाहती है, लेकिन क्या ऐसा हुआ था कभी? नहीं, हर चीज़ पहली बार होती है। इससे पहले तो हमने ये भी नहीं देखा ना कि कोई प्रधानमंत्री भाषण ही देता है, भाषण ही देता है, भाषण ही देता है, 9 साल से भाषण ही दिया जा रहा है। तो ये भी हुआ कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर मुसलमानों को लिंच किया गया, दलितों को ठगा गया, किसानों के साथ धोखा हुआ। तो हर चीज़ पहली बार हो रही है, और ख़ासकर दमन की चीज़ें तो हमेशा ही पहली बार होती है, क्योंकि जो पिछली लाइन होती है ना दमन की, उसको क्रॉस करने के लिए 56 इंची ताकत की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ताकत पहली बार आई है, तो हम इस तरीके का दमन भी पहली बार देख रहे हैं। लेकिन भाई इतना कुछ हो रहा है और आपकी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ही बुलंद है इन दिनों, तो डर नहीं लगता? नहीं, ऐसा बुलंद नहीं है, मैं वही काम कर रहा हूँ जो हर एक नागरिक को करना चाहिए। मैं बिल्कुल ये क्लेम लेने को तैयार नहीं हूँ मैं कुछ अतिरिक्त कर रहा हूँ, मैं कुछ साहसी काम कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लोकतंत्र में सामान्य नागरिक को जो बोलना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मनुष्यता के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं लोकतंत्र के पक्ष में बोल रहा हूँ, मैं संविधान के पक्ष, कोई भी आदमी यही तो चाहेगा ना। कौन आदमी चाहता है कि उसके साथ शोषण हो? मैं शोषण के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं जातिवाद के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, पसमांदा के लिए, आदिवासियों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए, शोषितों के लिए बोल रहा हूँ, और हर एक आदमी को बोलना चाहिए। ये इसलिए आपको साहसी लगता है या इसलिए आपको बड़ा लगता है क्योंकि ऐसी आवाज़ें बहुत कम हो गई। जब बहुत सारी आवाज़ें होंगी, मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जिस दिन मेरी तरह के लोगों की आवाज़ की कोई अहमियत न रह जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की बात करने वाले हो जाएंगे। आखिर इस सरकार किस हद तक जाएगी, जो आप पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं, आप क्या लग रहा है कहाँ तक जाएगी? कोई हद नहीं है, किसी भी सरकार की कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों में पत्रकारों के साथ बड़ा अच्छा सलूक हुआ है, लेकिन जो अब हो रहा है वो एकदम नया माइलस्टोन है, वो नया मील का पत्थर है। और ये बात सच है कि ये बहुत भयावह है,
ये डराने की कोशिश है, ये किसी भी तरीके से न्याय और बंधुत्व और समानता के पक्ष में नहीं जाता है। ये कानून सत्ता की ताकत और पैसे की ताकत का जो गठजोड़ है वो उन आवाज़ों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जिन आवाज़ों ने मामूली संसाधनों के दम पर अपनी आवाज़ को बचाए रखने की भरसक कोशिश की है। आपको कभी इस तरह जितनी चीज़ें होती हैं आए दिन हो रही हैं, कभी आपको इस तरह अपनी फैमिली में घरों में कोई खौफ कोई मशवरा देता है कि क्यों कर रहे हैं सब, रहने दो? मेरे पिता बहुत डरे रहते हैं, वो कहते हैं छोड़ दो ये सब, वापस आ जाओ, घर आ जाओ, ऐसे भी वहाँ क्या रखा हुआ है। वो बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन फिर लगता है कि ये उनकी चिंता है, वो एक पिता के तौर पर चिंता है, मेरी चिंताएं एक नागरिक के तौर पर है, एक मनुष्य के तौर पर है, एक लोकतंत्र के बासिंदे के तौर पर है। और शोषण पर अगर मैं चुप रह गया किसी भी तरीके के शोषण पर, तो इसका मतलब है कि मैं परोक्ष रूप से शोषण के साथ खड़ा हूँ। और मेरे जैसे लोग हमेशा ही शोषण के खिलाफ रहेंगे, मेरे जैसे लोग हमेशा मनुष्यता के पक्ष में रहेंगे, हमेशा बराबरी समानता न्याय संविधान लोकतंत्र के पक्ष में रहेंगे। और ये आवाज़ें दबने वाली नहीं है, ये सब बहुत छोटी सोच के लोग ऐसा सोचते हैं कि आप किसी को उठा लेंगे, किसी को बंद कर देंगे, किसी पर मुकदमा कर देंगे, किसी को जेल में डाल देंगे, तो इसे उससे ज़्यादा आवाज़ें उससे ज़्यादा ताकत के साथ उठने लगती है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का गेट है, यहाँ पे देख रहे हैं अच्छी खासी संख्या में आपको पत्रकार नज़र आ रहे होंगे, जो एक्टिविस्ट हैं वो भी नज़र आ रहे होंगे। एक ताज्जुब की बात ये देखिए कि जितने पत्रकार हैं उतने ही पुलिस भी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, पुलिस की गाड़ियाँ आप देखे हो, कितनी अच्छी खासी संख्या में आपको पुलिस भी नज़र आएगी। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब पत्रकारों ने कह दिया था कि उनका ये प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी बात रखी जाएगी, वो भी कैंपस के अंदर और बाहर शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बावजूद देखिए कितनी संख्या में पुलिस आपको नज़र आ रही होगी, देख लीजिए आप। ठीक है, पुलिस अपने तौर पर अपनी तैयारी में हमेशा रहती है कि कोई अनहोनी हो कुछ तरह का हो तो, लेकिन देखिए आप क्या इतनी पुलिस की ज़रूरत थी प्रेस क्लब के पास, अच्छी खासी संख्या में आपको ये पुलिस नज़र आएगी। यहाँ आपको पत्रकार नज़र आ रहे होंगे, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का मेन गेट है और उसके ठीक बाहर अच्छी खासी संख्या में पुलिस मौजूद है, देख लीजिए।